हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू आर वाचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं टैरो रीडिंग फॉर ऑल 12 सन साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सन साइन से, जो है एरी सन साइन, और देखते हैं आप लोगों के लिए आज क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। एरी सन साइन वालों के लिए पहला कार्ड जो आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द अदर कार्ड फॉर यू इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके बिजनेस या करियर वाइज न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, बट ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड फील करें बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट इज़ ऑन यू। आपको प्रेशर महसूस भी होगा अपने ऑफिस एनवायरमेंट में या अपने करियर से रिलेटेड, बट ये प्रेशर को आपको बहुत ज़्यादा ना दिल से नहीं लगाना है। जस्ट ट्राई टू वेव ऑफ एज मच प्रेशर एज यू कैन बिकॉज द न्यू बिगिनिंग इज जस्ट Fight the corner. And up next is Taurus Sun Sign, हिंदी में इसे वृषभ राशि भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं Taurus Sun Sign वालों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। So Taurus, आप लोगों के लिए जो पहला कार्ड आया है वो है Five of Swords का कार्ड and the second card for you is Nine of Pentacles. So यहाँ पर past में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा bothered हैं। यू नो, वो चीज़ आपको अभी भी परेशान कर रही है। So the best way for you would be to move on as soon as you can, because यहाँ जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स है वो ये भी दिखा रहा है कि आप एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं और बहुत एबल प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। तो इतने सारे जो अच्छे आदतें अच्छे गुण हैं आपके पास, उसको यूज़ करिए। पास में अटकने का अभी अच्छा टाइम नहीं है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट सन साइन, दैट इज जेमिनाई सन साइन, हिंदी में हम इसे मिथुन राशि भी बोलते हैं। कार्ड्स को कर लिए शफल और देखते हैं जेमिनाइज आप लोगों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द सेकेंड कार्ड इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड हो रही है आपकी, और अगर आप अनमैरिड है तो शादी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। यहाँ पर थोड़ा सा आप कन्फ्यूज रह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। कुछ ऐसा हो सकता है कि बिटवीन यू एंड योर पार्टनर जो आपको थोड़े टाइम के लिए बॉदर करे, बट ओवरऑल वेरी गुड कार्ड्स फॉर यू। अब बात करेंगे कैंसर सन साइन की, हिंदी में इसे कर्क राशि भी बोलते हैं। कैंसेरियंस के लिए आज क्या कार्ड्स कहते हैं चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज जजमेंट। तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए स्लो चल सकती हैं, थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि लाइफ स्पीड में चल रही थी अचानक से ब्रेक लग गए, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपका थोड़े टाइम के लिए अपने पेरेंट्स से अपने घर वालों से आप थोड़ा दूर हो जाएं। अ टेम्परेरी शिफ्ट आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो वो एक पासिंग फेज है। जस्ट लेट दैट हैपन एंड जैसे ही एनर्जी आपकी वापस फ्लो में आएगी वैसे ही मूवमेंट आपको दिख भी जाएगा। और अब बारी आती है नेक्स्ट सन साइन की, दैट इज लियो सन साइन, हिंदी में हम इसे सिंह राशि भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं लियोज आप लोगों के लिए कैसे कार्ड्स हैं आज के। फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज लवर्स एंड द सेकंड कार्ड फॉर यू इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर हो सकता है कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ आर्ग्यूमेंट दैट इज टेकन प्लेस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, और ऐसा भी हो सकता है कि समवन इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद यू। तो आप जिससे भी बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, दिमाग में एक जो वो इंसान है ना, वो शायद आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन की सुननी है, बिकॉज यू नो व्हाट द अदर पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू। तो अपने दिमाग से ज़्यादा आप अपने दिल की सुनिए और एनालाइज़ करिए कि सामने वाला आपके लिए कैसी फीलिंग्स रखता है, वो आपके लिए ऑनेस्ट है या नहीं है, एंड देन टेक द राइट डिसीजन। और अब बारी आती है कन्या राशि की, यानी वर्गो सन साइन, और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है फाइव ऑफ कप्स का और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो पास में अगर कुछ आपसे मिस आउट हो गया है, कुछ छूट गया है, तो उसको आपको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू कैरी दैट फीलिंग फॉरवर्ड इन योर प्रेजेंट एंड देन इन योर फ्यूचर। और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बोल रहा है कि देयर इज अ डिवाइन हेल्प देयर फॉर यू। आपको थोड़ा सा अपने जोन अपनी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिसीव दैट डिवाइन हेल्प। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे अगर इस टाइम पर तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड अप नेक्स्ट इज लिब्रा सन साइन और हिंदी में हम इसे तुला राशि भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं लिब्रंस आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड एंड द अदर कार्ड फॉर यू इज हैंग्ड मैन। तो यहाँ पर आप हो सकता है कि किसी ऐसे करियर को बिलोंग करते हों
जो समाज सेवा से जुड़ा हो, जो कंसल्टेंसी से जुड़ा हो, फूड बिजनेस हो सकता है या फिर कोई हीलर भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। अगर ऐसे प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल इज दैट बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंकिंग के लूप में आप चले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, बट ओवर थिंकिंग से बचना है। और बात करेंगे स्कॉर्पियो सन साइन की, हिंदी में हम इसे वृश्चिक राशि भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियंस आपके लिए आज कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। दोनों स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इश्यू जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत यू नो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ना ये बताता है कि यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव। अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, दिल की बात नहीं बोल रहे हैं, तो वो अच्छा आइडिया नहीं है। सो जो भी आपके मन में है, जिसको भी आपने जो कुछ भी बोलना है, टुडे इज द बेस्ट डे टू से इट फॉरवर्ड। एंड अप नेक्स्ट इज सैजिटेरियस सन साइन, हिंदी में हम इसे धनु राशि बोलते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको हाल फिलहाल में रात में सोने में इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा फियर फील हो सकता है, थोड़ी एंजाइटी भी हो सकती है, स्पेशली आफ्टर द एक्लिप्स दैट इज गॉन। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा करियर में आपको अपलिफ्टमेंट दिखाई दे सकता है बिकॉज ऑफ द राहु केतु ट्रांजिट दैट इज नाउ टेकिंग प्लेस। तो यहाँ थोड़ा सा जो इनिशियल ट्रबल है ना वो आपको फेस करना पड़ेगा, बट एवरीथिंग विल स्मूदन आउट फॉर यू। और अब बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न सन साइन। एक कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर उड़ के आया है तो हम उसको लेंगे और दूसरा कार्ड देखते हैं कि आपका दिन आज कैसा होने वाला है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड्स हैं। तो यहाँ हो सकता है कि आपके सोलमेट आपके आसपास हैं पर शायद आप कन्फ्यूज्ड हैं, यू नो बिटवीन योर सोलमेट एंड द अदर पर्सन और द अदर थिंग। तो आप थोड़ा सा अपने मन की बात को सुनिए, दिल के अंदर झांकिए और आप ये देखिए कि आपके एक्चुअल सोलमेट कौन है, बिकॉज देर इज़ समवन फ्रॉम योर सोल फैमिली दैट इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, दैट इज़ जस्ट अराउंड यू। तो वो रिकग्नाइज करिए और उनके साथ जितनी जल्दी हो सके आप बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करिए। और अब बात करेंगे एक्वेरियस सन साइन की, यानी कि कुंभ राशि वालों की। आइए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो एक ब्यूटिफुल यू नो फैमिली रीयूनियन दिख रहा है, या हो सकता है कि फैमिली साथ में मिलकर के कहीं जाए, साथ में मिलकर के आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, ऐसा बहुत हाई चांसेस है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपको बोलता है कि आपको ना अपने हिस्से का जो आपको एक्सप्रेस करना है ना वो ज़रूर करिए, अपनी बातों को मन के अंदर मत रखिए। एंड नाउ वी आर अप टू आर लास्ट सन साइन ऑफ द ज़ोडियक दैट इज पाइसेस सन साइन और हिंदी में हम इसे मीन राशि भी बोलते हैं। तो पाइसेंस आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि आप कहीं ऐसा ट्रैवल करें जहाँ पर आपको एक रिवर क्रॉस करना हो या सी क्रॉस करनी हो, सो ओवरसीज ट्रैवल का भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। और ये जो ट्रैवल है अगर आप करते हैं तो आपके करियर और बिजनेस में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट ये लेके आएगा। और इसी के साथ इस शो को हम पूरा करेंगे। कल फिर से मैं मिलूंगी आप लोगों को विद ऑल द 12 सन साइंस। थैंक यू सो मच।